contradicts has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is rational number. ओके इसकी वजह से आपके जो 2 है वो हमारा कॉमन फैक्टर होता है. और यहाँ पे देखिए हमने कि अंडर रूट 2, ठीक है, जो हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि ये हमारा क्या रैशनल नंबर है, तो ये जो हमारा कॉन्ट्राडिक्स था ये क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ठीक है, इनकरेक्ट है. इसलिए हमारा जो रूट 2 होगा वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर होगा. ठीक है, अगर 2 ही होता तो हमारा क्या होता, 2 कॉमन फैक्टर निकला था, अंडर रूट 2 नहीं निकला था. ठीक है, 2 कॉमन फैक्टर अगर होता है तो वो नंबर आपका क्या हो जाता था, क्या होगा, रैशनल नंबर. मगर हमने क्या काउंट किया था, रूट 2. ठीक है, रूट 2 हमारा क्या पकड़ा था हमने, रैशनल नंबर. अब ये क्या बन जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर बन जाएगा. सो वी कंक्लूड दैट स्क्वायर रूट 2 इज ओके. यहां पे लिखता हूं थोड़ा, इज इरेशनल नंबर. ठीक है बच्चों, तो ये था आपका रूट 2 वाला, अंडर रूट 2, ये जो हमारा थ्योरम था कि रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर. ठीक है, सबसे पहले याद रखने की एक ही कोशिश करेंगे, आपको मैक्सिमम पूछ सकता है रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, तो आपको सिर्फ यही पहला थ्योरम पता जाना होना चाहिए, थ्योरम नंबर 1.3, जहाँ की हमने कहा था कोई भी अगर आपका इंटीजर्स होगा उसको डिवाइड करता है पी. पी यानी कौन था, हमारा प्राइम नंबर होगा. ठीक है, तो ये पी यानी कौन होगा, एक कॉमन फैक्टर ही होगा जो कि इस इंटीजर को क्या करेगा, इसके जो फैक्टर होगे उसको क्या करेगा, डिवाइड कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका, इसके बेस पे हम एक एग्जांपल ले लेंगे. ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेंगे इसका. एग्जाम्पल है, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. सॉल्यूशन सेम, हमने जो भी थ्योरम यूज किया था वही हमको आपको यहां पे भी अप्लाई करना है. जैसे कि क्या होगा, यहां पे भी हम एज्यूम करेंगे. ओके, लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे भाई, कि ये जो अंडर रूट 3 है या रूट स्क्वायर रूट 3 है, ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा. ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा था, ए एंड बी. ठीक है, ए एंड बी हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर हो गए इनके, इन दोनों के, ए एंड बी के कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर देन अदर देन, ओके, अदर देन 1 होगा. तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, रूट थ्री इज इक्वल टू ए बाय बी. ठीक है, उसके बाद अब इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलना था, बी स्क्वायर रूट ए. ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे. ठीक है, पहले सबसे पहले मैंने क्या किया था, इसको एज्यूम किया कि रैशनल नंबर होगा, उसके बाद मैंने कोई तो कॉमन फैक्टर होने वाले ऐसे इंटीजर्स पकड़े, तो हमने काउंट किया कि ए या बी हमारे कोई तो इंटीजर होंगे. ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि ये रूट 3 इज इक्वल टू क्या होगा, किसके बराबर होगा, ए बाय बी के बराबर होगा. और उसको मैंने जब बी को इस टाइप से मतलब लेफ्ट साइड मतलब RHS टू LHS किया तो मुझे आंसर मिला बी स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू ए. अब हमने किया स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. ठीक है, इस इक्वेशन को, अब वो इक्वेशन यहाँ पर लिख देंगे आपको, अब वो इक्वेशन. ठीक है, बी स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू ए को हमने स्क्वेयरिंग किया तो मुझे क्या आंसर मिलना था, यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है, बी स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिल गया. अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो एक इक्वेशन, इसको भी हम नंबर दे सकते हैं. अब नेक्स्ट
ए स्क्वेयर इज डिविजिबल डिविजिबल बाय थ्री, ठीक है, जो ए स्क्वेयर होगा थ्री होगा, क्यों, क्योंकि ये थ्री जो होगा वो कॉमन फैक्टर होगा किसका, इस ए स्क्वेयर का, ओके। नेक्स्ट ये हम बाय थ्योरम 1.3, ओके, हमने किसके बेस पे कहा था, जो थ्योरम हमारा 1.3 होगा उसी के बेस में मैंने कहा कि ए स्क्वेयर को डिवाइड कौन करता है, ये थ्री करता है, जैसे हमने अभी पहले ही कहा था। उसके बाद ए इज इक्वल टू सी सॉरी 3c, ओके, फॉर सम इंटेजर्स सी, सी यानी क्या, कोई अदर इंटेजर्स होगा जिसका मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा, इस ए के बराबर है। अब नेक्स्ट होगा यहाँ पे क्या, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ए इज इक्वल टू ए वी गेट क्या मिलेगा हमको, 3b² इज इक्वल टू 9, ठीक है, 3b² इज इक्वल टू 9c। ये कहाँ से आया, हमने क्या किया, a की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू क्या वैल्यू थी, 3c, ठीक है, ये वैल्यू दिख रही है आपको, a की वैल्यू हमने पुट किया 3c, किस इक्वेशन में भाई, इस इक्वेशन में। तो हमको क्या मिला, देखो यहाँ पे तो 3b² बराबर था ए स्क्वेयर था, ए स्क्वेयर यानी क्या, 3 का स्क्वेयर 9 होता है, ठीक है, और c का तो c हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3² हो जाएगा, तो 3b² इज इक्वल टू 9c². अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो कट जाएगा ये कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो आपका आंसर बनेगा क्या, यहाँ पे ये बनेगा b² इज इक्वल टू 3c², ओके, ये एक वैल्यू मिलती है b² इज इक्वल टू 3c². उसके बाद दिस मीन्स दैट b इज डिविजिबल बाय 3, ओके, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ये जो बी स्क्वेयर है, ओके, इट्स मीन बी स्क्वेयर इज डिवाइड ओके बाय 3, ओके, एंड सो बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है, देयरफॉर ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी हैव एटलीस्ट 3 इज कॉमन फैक्टर, बट ओके, यहां तक लिखने के बाद आप डायरेक्टली लिख देंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट ए एंड बी दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है, हमने इसको पहले ही कहा था कि ये को प्राइम नंबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इनका जो कॉमन फैक्टर होगा अदर देन वन है, इसलिए हमने इसको को प्राइम नंबर भी कहा था, को प्राइम, देयरफॉर सो वी कंक्लूड दैट ए वी कंक्लूड दैट रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है, ये आपको एक दो एग्जांपल याद रखने, तब आपको पता लग जाएगी कि रूट 2 और रूट 3 ये क्या है, हमारे इरेशनल नंबर है, जो कि हम यहाँ पे थ्योरम के बेस पे कैसे प्रूव करते हैं, आप किताब भी है आपके पास, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपका ये खत्म होता है और आपको एक्सरसाइज 1.3 आपको करना है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट इस लेसन का, जो आज हम कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है, क्या है लास्ट पॉइंट है आपका रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, लास्ट है हमारा पॉइंट रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर
एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। ओके, इससे पहले कहा था ये रैशनल नंबर का है, अब रिवीजन किसके बारे में भाई, हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होंगे, P और Q के फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में होगा, और यहां पे होगा आपका Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब जो रैशनल नंबर के हमारे इस फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे और Q की वैल्यू जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं Q की वैल्यू जीरो पुट करता हूं तो यहां पे नंबर क्या बन जाएगा, ये हमारा नॉट डिफाइंड बन जाता है। ठीक है, इसलिए हम इस रैशनल नंबर को इसी फॉर्म में रखेंगे और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब दूसरी बात, अब यहां पे जो हमारे Q होंगे वो क्यों होंगे, एक तो 2 की पावर कुछ भी हो सकती है या 5 की पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मतलब अगर 2 की पावर m नीचे होगी, मतलब Q की जगह पे होगी, या 5 की पावर m होगी, या दोनों। ठीक है, यहां पे मैं दोनों भी लिख सकता हूं कभी कभी, जैसे कि अगर जो मेरे फैक्टर होंगे Q के वो इस फॉर्म में होंगे तो ये वाला नंबर बन जाएगा मेरा क्या, एक होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग इसके पहले हमने वर्ड सुना है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, चलो टर्मिनेटिंग यानी क्या, अगर किसी भी इसमें, ठीक है, क्यू की जगह ये वैल्यू होती है टू का पावर के फॉर्म में, उसके फैक्टर अगर टू के पावर में या फाइव के पावर में या दोनों के फॉर्म में होंगे तो उसे कहेंगे क्या हम, अगर क्यू इज इक्वल टू टू एम फाइव एम, तो ये टर्मिनेटिंग बन जाएंगे, और Q इज नॉट इक्वल टू टू एम फाइव एम, बस यही आपका बेसिक है। मतलब इस पॉइंट का क्या टर्मिनेटिंग कब, आपको क्वेश्चन इसी को पूछेगा, आपके जो नंबर दिए हो, गिवन नंबर दिए होंगे आपको, और पूछेगा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, जो आपको फाइंड आउट करने होते। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करने हैं, अगर Q की वैल्यू इस फॉर्म में आती है, ओके, अब ये क्या है रिपीटिंग, जैसे मैंने कहा टू टाइम्स होता है या ऐसे किसी फॉर्म में, ओके, तो इसे कहते हैं इस फॉर्म में, तो इसी फॉर्म में किसी भी एक फॉर्म में अगर ये क्यू की वैल्यू आ जाती है तो आपका हो जाएगा वो टर्मिनेटिंग आंसर, और अगर नॉट इक्वल टू वे आता है तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। चलो मैं इसका डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है, 0.375, ये कोई तो एक क्वेश्चन दिया है, इसको हमने सो किस फॉर्म में ले लिया, रैशनल नंबर की फॉर्म में, कैसे लेना है, मैं अगर इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा 375 डिवाइडेड बाय 30, ओके, मतलब 1000 इस फॉर्म में तो आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 3 × 5 का पावर, ये आ जाएगा, और इसको भी सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 3 × 2³ × 5³। ठीक है, तो देखिए क्या Q में तो है ये वाला आंसर, ठीक है, नीचे भी आंसर तो क्या है हमारा, Q की वैल्यू तो ये यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगी, एज द ओल्ड एक्सपेक्ट कैन बी एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर वुज डिनोमिनेटर आर पावर ऑफ 10। ओके रुको, ओके, रैशनल नंबर टू फॉर्म में भी पेज नंबर आपका ये यहाँ पे देखिएगा, पेज नंबर 15 में दिया है एग्जांपल, ठीक है, 0.375 इसकी वैल्यू आपके इस फॉर्म में आ गई है। ठीक है, ठीक है, चलो फिलहाल यहाँ पे इसकी वैल्यू, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट एग्जांपल दिया है 0.0875, ठीक है, इसको भी हमने क्या किया 1, 2, 3, 4, मतलब 4 मतलब 10,000 से हमको इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर मिलेगा 875 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा भाई 1, 2, 3, 4, और इसको भी अगर सॉल्व करते तो आपके पास आंसर होगा ये 7 कट जाएगा बाकी का सॉल्व करने के बाद, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ओके, ये बन जाएगा 2 × 4 × 5। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपका Q की वैल्यू अगर ये मिलती है, क्या थी हमारी 2 की पावर
या 5 की पावर जो भी होगी, इस फॉर्म में अगर होता है तो हम इसे कहेंगे क्या, रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और एग्जांपल है हमारे कौन से, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा थ्योरम नंबर 1.5। ठीक है, थ्योरम नंबर 1.5 क्या कहते हैं, थ्योरम नंबर 1.5 ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट वाले पढ़ेंगे, ये तो पहले सिर्फ रैशनल नंबर पढ़ने वाले थे। अब यहाँ पे देखिएगा थ्योरम नंबर 1.5, लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन, पेज नंबर 6 बच्चों आप भी ओके। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे लेट x बी अ रैशनल नंबर ओके हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म P by Q, ठीक है, वेयर P एंड Q आर कॉम प्राइम। ओके, ये क्या है, P और Q हमारे को प्राइम है। उसके बाद ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज द फॉर्म, और हमारे Q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, Q प्राइम फैक्टराइजेशन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में होगी भाई, एक तो 2 की पावर n के हिसाब से होगी या 5 के पावर m के हिसाब से होगी। ठीक है, अगर q की वैल्यू इस फॉर्म में होती है तो आपका जो नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा, वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा, यहाँ पे लिखा ही है। ठीक है, टर्मिनेट, ठीक है, ये हम टर्मिनेट वाले कर रहे हैं, अगर नहीं होता है तो वो ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट।